गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करा दी थी, अब अपन आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। तो एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताऊंगा। कोई भी रेशनल नंबर अगर अपन को दिया हुआ है और अपन को पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, उसको कैसे पता करेंगे? तो देखें, सबसे पहले रेशनल नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो रैशनल नंबर अपन को दिया है पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो इसमें जो क्यू के अपन फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, क्यू के फैक्टर किस फॉर्म में आना चाहिए, किस पेयर में आना चाहिए? 2 और 5 के पेयर में, ठीक है। अगर क्यू जैसे 2 raised to the power n और 5 raised to the power n, ठीक है, किसके पेयर में आना चाहिए? 2 और 5 के। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी, अगर 2 और 5 आता है तो वो कौन सा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर 2 सिंगल सिंगल भी आता है तो भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 5 सिंगल सिंगल आता है तो भी ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन 2 और 5 के साथ अगर अदर नंबर आते हैं, 7 हुआ 13, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा जैसे 13 आया तो क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो 2 और 5 आया तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के साथ और अदर नंबर आए तो नॉन टर्मिनेटिंग, अदर नंबर अकेले भी आ सकते हैं तो भी क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, अपन को इसको लॉन्ग डिवीजन करके नहीं बताना है, ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये आप बुक में देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13, 3, 1, 2, 5, ठीक है। तो इसमें अपन किसके फैक्टर फाइंड करेंगे? डिनोमिनेटर के, ठीक है। तो अपन डिनोमिनेटर के फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। किससे डिवाइड होगा? 5 से, 5 6 जा 30, 5 2 जा 5, 5 जा, फिर 5 से 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 5 बन जा 5, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का जो अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड की वो क्या है? ओनली 5 5 5। तो मैंने बताया था 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, या ओनली 5 5 भी हो सकता है या ओनली 2 2 भी हो सकता है। तो ये कौन सा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ लिखेंगे 13 upon 1 2 3 4 5, 5 raised to the power 5, ठीक है। तो ये कौन सा डेसिमल हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। कौन सा डेसिमल होगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पहला आंसर अपना आ चुका है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड दिया हुआ है, ये सबको समझ आ गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्या दिया हुआ है? 17 upon 8, ठीक है। तो इसके अपन क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर। 17 की तो कर नहीं सकते न्यूमिनेटर, क्योंकि ये कौन सा नंबर है? प्राइम। अगर न्यूमिनेटर प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर फाइंड ना किया करें, सीधे डिनोमिनेटर के कर देते हैं, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो न्यूमिनेटर एज इट इज, 2 कितने टाइम्स आया हुआ है? 3 टाइम, तो 2 raised to the power 3। तो मैंने क्या बताया था? सिंगल अगर 2 2 नंबर भी होते हैं तो वो कौन सा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, सिक्सटी फोर अपॉन 455, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसके फाइंड करेंगे?
64 के, 2 3 या 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 बन जा। ठीक है, अब हम किसके फाइंड करेंगे, इसके 455 के, किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 9 जा 45, 5 बन जा 5। ठीक है, अब किससे डिवाइड होगा ये, 7 से, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, फिर किससे होगा, 13 से। ठीक है, तो मेन तो अपन को डिनोमिनेटर देखना है। ठीक है, क्या देखना है अपन को, डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर का क्या आया फैक्टर, 5 × 7, न्यूमिनेटर के फैक्टर्स क्या क्या है अपने, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 raised to the power 6, और डिनोमिनेटर क्या आया, 5 7 और 13। तो मैंने बताया था आपको 5 के साथ ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 2। अगर 5 के साथ अदर नंबर है तो ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आ गया समझ में सभी को, तो बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।